और आज की वीडियो में हम मोस्ट रिक्वेस्टेडियोक्शन करने वाले पाकिस्तान uh, तो देखते हैं की उन्होंने क्या बोला है वैसे मुझे पॉलिटिक्स में वो इतना इंटरेस्ट तो नहीं है लेकिन आज इनकी बातों को मैं देख के एनालाइज करने वाली हूँ की क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे तो अभी तो कुछ पता नहीं है पहले देख लेते हैं फिर ठीक है नमस्कार दोस्तों सलाम आज मैं अपने पाकिस्तानी दोस्त पाकिस्तानी भाई बहन से मुखातिब हूं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं बड़े दिन हो गए हमने आपस में बात नहीं करी बस यही गाली गुफ्तारी का सिलसिला चलता रहता है कुछ आप हमें देते हैं कुछ हम आपको देते हैं लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जरूरत है कि हम आपसे बात करें और आपको कुछ बताएं और जो भी हम आपको बताएंगे वो हम पुख्ता तौर पे इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसकी जांच करने के बाद फिर हम आपको बता रहे हैं कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट करा था जिसमें मैंने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा की प्रॉपर्टीज की एक फहरिस्त ट्विटर पे डाली थी कि ये उनकी प्रॉपर्टी है और खुद उनमें जनरल साहब ने साइन करा था क्योंकि एक सेल्फ डिक्लेरेशन था ये तो जनरल साहब ने साइन करा कि साहब ये मेरी प्रॉपर्टी है तो फिर वो पूरी प्रॉपर्टी की लिस्ट मैंने वहाँ पर डाली जिसमें दिखाया कि करीब उनके करीब दस पंद्रह प्रॉपर्टीज़ हैं और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो थी उनकी यानी कि जायदाद जितनी भी थी जनरल साहब की वो उसके पैसे कम लगाए गए थे तो आप में से कई लोग हैं ट्विटर पे आए और वही बुरा भला कहना कि गलत है प्रोपागेंडा है और यू uh, नो you know, इंडिया वाले हमारी फौज के खिलाफ हैं और ये सब वे सब वगैरह ठीक है आपको भरोसा नहीं करना विश्वास नहीं करना आपकी मर्ज़ी है ये हम तो आपको फोर्स नहीं कर सकते इसमें हम आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते कि आप हमारी बात माने लेकिन हम आपको कुछ और बातें बोलना चाहते हैं आज यही आपके प्यारे जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा साहब के बारे में आपको पता ही होगा कि ये कमर जावेद बाजवा साहब जो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनके रिश्तेदार हैं ये पहली चीज़ ये सीपैक अथॉरिटी के यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक अथॉरिटी के ये चेयरमैन भी हैं और ये एडवाइजर तो प्राइम मिनिस्टर भी हैं मीडिया अफेयर्स के तो ये तो उनका प्रोफाइल है तो सब बैजको करके कंपनी है बी ए जे सी ओ बाज से बाजवा से बी ए जे और सी ओ कंपनी बाजवा कंपनी बैजको करके कंपनी है मिडिल ईस्ट में ये करती है रियल एस्टेट का बिजनेस ये धंधा इसका रियल एस्टेट का मिडल ईस्ट में चलता है लेकिन अमेरिका में एक शहर है नाइल ओहायो स्टेट का शहर है ये बड़ा प्यारा सा शहर है वहां पर को क्या काम करती है 125 इनके रेस्टोरेंट्स हैं पापा जॉन के 125 रेस्टोरेंट्स और उसके अलावा उसके अलावा इनके 25 और मुख्तलिफ़ के रेस्टोरेंट्स हैं जो कि अमेरिका में जो कि कैनेडा में हर जगह फैले हुए पापा जॉन ये जो ब्रांड है उसके सबसे बड़े सिंगल फ्रेंचाइजी ओनर हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा अब देखिए साहब आपका जनरल आप जाने ठीक है सर आपका जनरल आप जाने मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर कोई कराची में कोई आदमी जो है बुजुर्ग वो गुहार लगाता है वो परेशान होता है कि साहब हमारे यहाँ पानी नहीं होता हमें टैंकर माफिया से पानी खरीदना पड़ता है या कोई बुजुर्ग खातन हैं जो ये कहती हैं कि लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है कराची में ये ये परेशानी है तो इसमें सिर्फ जो आपका निजाम है सिर्फ निजाम की गलती नहीं है आप सिर्फ निजाम को गुनहगार ना समझे सिर्फ ये बात नहीं कि जो आ, कराची में फाइव कोर है फाइव कोर का जो कमांडर है उसने पैसा खा लिया टैंकर माफिया से इसलिए आपका पानी नहीं आता और बिजली नहीं आती नहीं बात सिर्फ ये नहीं बात यह है कि इसमें कुछ आप लोगों की भी गलती है और ये जो आपकी गलती है ये जो जिसको हिंदी में हम लोग पाप कहते हैं ना सिंध गुनाह ये आपके गुनाह हैं जिसका आप खामियाजा भुगत रहे हैं कैसे गुनाह है सब गुनाह इस तरीके से हैं कि आपके अंदर जो हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत है दिल में इंडिया के खिलाफ जो नफरत है हिंदू आ जाएगा खा जाएगा इंडिया आ जाएगी अटैक कर देगी उसी का फायदा आपके जनरल उठाते हैं कैसे सब इंडिया अटैक कर देगी तीन सौ सत्तर पैंतीस से कश्मीर से हट गया है अब हमें जिहाद लड़ना पड़ेगा किसने बात बोली थी जनरल कमर जावेद बाजवा ने नतीजा क्या हुआ इमरान खान ने कमर जावेद बाजवा साहब को तीन साल का एक्सटेंशन दे दिया बेकूफ कौन बना आप बने ना अब कहाँ है कमर जावेद बाजवा साहब वो तो कह रहे थे एक साल से कि इंडिया अटैक कर देगा इंडिया खा जाएगा हमें इंडिया निगल लेगा पाकिस्तान को कौम एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रही है अब आप एक बात बताएं साहब कौन से नाजुक दौर से गुजरे आप? आपके अगर यहां बिजली नहीं आती और पानी नहीं आता इसके लिए कौन जिम्मेदार है नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है अजीत डोवाल इसके जिम्मेदार हैं मैं इसका जिम्मेदार हूं कोई और जिम्मेदार है कौन पर आपके अंदर इतने सालों से तीन पुश्त हो गए आपके ठीक है उन्नीस की बात से कर रहा हूं मैं बहत्तर साल हो गए तीन पुश्ते पाकिस्तानी को चली गई चौथी पैदा हो गई है सबके अंदर इतनी नफरत भर दी है और उस नफरत का फायदा आपके जनरल्स उठा रहे हैं भरिया है नफरत मेरे घर में पानी भी आ रहा है और मेरे घर में बिजली भी आ रही है और हिंदुस्तान के ज्यादातर घरों में पानी और बिजली आ रही है ठीक है आती है जाती है लेकिन कोई टैंकर माफिया ना लोगों को लूट नहीं रहा ये दस दस घंटे की लोड शेडिंग कराची कराची इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान बॉम्बे इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया जिसको मुंबई कहते हैं मुंबई वालों से पूछिए लोड शेडिंग मुंबई वालों ने सुना ही नहीं होगा ये वर्ड आप किसी मुंबई वाले से पूछिए भाई लोड शेडिंग क्या होती है वो ब्लैंक लुक देगा आपको उसने बिजली जाते ही नहीं देखी कभी कहा कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया या कोई बहुत ज़्यादा बारिश हो गई कुछ इमरजेंसी हो गई तब बात ठीक है लेकिन लोगों ने उम्र बिता दी मुंबई में आज तक बिजली जाते हुए नहीं देखी उन लोगों ने और ये आपके लोग भी कर सकते हैं लेकिन क्या है कि अब हिंदू से भी तो नफरत करनी है ना इंडिया से भी तो नफरत करनी है तो उसका खामियाजा भुगत रहे तो ये भाई साहब कोर कमांडर थे बाजवा साहब आपके असीम बाजवा साहब जो अभी सीताक अथॉरिटी के चेयरमैन हैं ये भाई कोर कमांडर थे तो बलोचिस्तान में भाई ने करवाई कार रैली कार रैली करवाने के बाद इन्होंने क्या करा कि वहां पे गाड़ियां आई तो आई भाई गाड़ियां अंदर दो गाड़ियां वापस नहीं गई उनमें से जो इंपोर्टेड कार थी बलोचिस्तान में किसने कार रैली करवाई एक और कमांडर थे इन्होंने बोल दिया कि चलो कार रैली होगी अब किसने आइडिया दिया बाद में पता लगा कि साहब ये आइडिया आया कहां से इंपोर्टेड कार्स आई वहां पर रेस वेस हुई और जो कार आई उसमें से दो नई गाड़ियां रैली में उन्होंने भाग नहीं लिया हिस्सा नहीं लिया आज की तारीख में वो जो गाड़ियां हैं इंपोर्टेड कार्स वो असीम बाजवा साहब की जनरल असीम बाजवा साहब के गैराज में पड़ी हुई है गाड़ियां तो इस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा उसमें जो टैक्स का लॉस हुआ किसका हुआ आपका अच्छा एक और बात मैं बता दूं आर्मी चीफ इंडिया के मैं बार बार ये बात नहीं कहना चाहता लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग लिखने पढ़ने का अब जो कल्चर है पाकिस्तान में लगभग खत्म हो चला है इंडिया के आर्मी चीफ ना तीन बेडरूम के फ्लैट में रहते हैं सुजुकी गाड़ियां चलाते हैं अगर कोई चंडीगढ़ में रह रहा है कोई लेफ्टिनेंट जनरल या आर्मी चीफ तो ठीक है क्योंकि चंडीगढ़ में दिल्ली के मुकाबले जमीन थोड़ी सस्ती है तो उसने अपने लिए छोटा सा बंगला बना लिया कौन सा ऐसा इंडिया का आर्मी चीफ है जिसकी एक रेस्टोरेंट्स हैं रेस्टोरेंट है एक सौ पचास कौन सा ऐसा इंडिया का आर्मी का जनरल है रिटायर्ड जो कि मिडिल ईस्ट में जाके अपने धंधे कर रहा है बिजनेस कर रहा है कौन सा इंडियन आर्मी का जनरल है जिसका बंगला है जिसके हजारों एकड़ जमीन है बाहर बताइए ना कौन सा इंडियन आर्मी का जनरल है जो बाहर जाके सेटल हो गया आर्मी चीफ की बात कर रहा हूं कौन है जो बाहर जाके सेटल हो गया ठीक है अगर किसी का बच्चा है किसी आई कंपनी में प्रेजिडेंट है जनरल मैनेजर है जाते हैं छुट्टियों में अपने बच्चों से मिलकर वापस इंडिया आ जाते हैं यह आप ही की फौज ने ठेका ले रखा है पाकिस्तानी फौज ने आपको तो बना दिया बेवकूफ ईमान तकवा जिहाद जिहादी सभी आप लोग भी चढ़ गए घोड़े पे हाथ में तलवार ली आपने भी बोला कि हम काफिरों को मारेंगे काफिरों को काटेंगे हम सब काट डालेंगे अरे तुम्हारी जेब कट गई काफिर कटे ना कटे तुम्हारी जेब जरूर कट गई एंड आई थिंक यू डिजर्व योर आर्मी वो जो आर्मी है ना आप लोग डिजर्व भी करते हैं आपको पाकिस्तानी फौजी आई थिंक आप लोग डिजर्व करते हैं जो एक एक बहुत मशहूर कहावत है कि म जैसी होती है उसके ऊपर हुक्मरान वैसी मसलत कर दिए जाते हैं तो ये आपके ऊपर बिल्कुल ठीक बैठते आई थिंक यू डिजर्व सच एन आर्मी और इन लोगों ने क्या करा सर कि सी पैक में इनको डाला क्यों डाला सी पैक में खानदानी पहले से पैसा है इनके पास असीम बाजवा के साथ अब ये पहले करोड़पति थे ये आर्मी के जनरल बनने के बाद अरबपति बन गए अब इनको डाल दिया सी पैक में मैंने जैसा बताया कमर जावेद बाजवा साहब के रिश्तेदार नहीं है राइट पर सिर्फ रिश्तेदार नहीं है ये उस जनरल्स की फेहरिस्त में इनका नाम था उस सूची में इनका नाम था जो पॉसिबली अपसेट हो सकते थे कमर जावेद बाजवा साहब के आर्मी चीफ बनने के चलते तो इनको खुश करने के लिए एक तो बाजवा बाजवा खुश करने के लिए उनको बोला कि आप सीपैक अथॉरिटी में जाएं चेयरमैन बन जाएं, यानी कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है मैं पाकिस्तानी आप लोगों को चैलेंज करता हूं मेरा ओपन चैलेंज है आप जानते हैं डिफेंसिव ऑफेंस का वीडियो है मैं आपको ओपनली चैलेंज करता हूं सी पैक की जानकारी किसको है वो बताए खुला चैलेंज करे सबके सामने और मुझे बोले कि मेजर साहब मेरे पास है सी पैक की पूरी जानकारी कितना पैसा किसको जा रहा है कौन से जनरल को कितना पैसा गया है कितने पे कितना ठेका दिया है कितने पाकिस्तानियों का बेनिफिट हुआ है कितनी नौकरियां पाकिस्तानियों के लिए बनी हैं कितनी नई फैक्ट्रियां बन गई हैं पाकिस्तान जो यहां पे था सीपैक की वजह से वहां पे चला गया है कोई हो जो एक बार बताए मुझे मैं चैलेंज करता हूं खुली चुनौती चुनौती है आप लोगों को खुली चुनौती है आप लोगों को आप आए सामने बताएं साहब फिर आप देखें कि आप लोग चार सड़कें चीन ने बना ली आप लोग खुश हो गए क्या साहब क्या मोटरवे है बिल्कुल मुलायम सा मोटरवे चल रहा है वो तो मोटरवे नहीं है वो कर्ज का कागज़ है जो आपको मुलायम से लग रहे हैं ठीक है, है? पूछिए जरा अपने जनरलों से आसिम बाजवा साहब से पूछिए साहब हमारे मुल्क का जब बच्चा पैदा होता है एक पाकिस्तानी बच्चा पैदा होता है ढाई से लेकर तीन लाख रुपए का कर्जदार होता है वो जिस दिन वो पैदा होता है एक एवरेज निकाल रहा हूं मैं पॉपुलेशन से डिवाइड करके तकरीबन 19-20 करोड़ की आपकी पॉपुलेशन है आप 19-20 करोड़ की पॉपुलेशन को जो टोटल आपने चीन से लोन लिया है आपने हर जगह से लोन लिया है आई से लोन लिया है आप जरा पूछिए ना ऐसा क्यों है कि जिस पाकिस्तानी के घर में बच्चा पैदा होता है पैदा होते ही वो ढाई से लेकर तीन लाख रुपए का कर्जदार है ऐसा कैसे हुआ इसलिए हुआ क्योंकि आपको हमसे नफरत है और नफरतें पाले हैं इंडियन आर्मी को आपका बुरा करने की कोई जरूरत नहीं है जो आपको स्टोरी सुनाई गई ना लंबी लंबी अलह फिलहला की कहानियां कि हिंदू खा जाएगा यह सब हिंदू ना कब खाया आपको कब खाया आपको और क्यों खाएगा आपको आपका मुल्क आपको मुबारक आपके जब खुद के जर्नेल आपको खा रहे हैं आप कहते हैं ना काफिर को काटेंगे वो आपकी जेब काट रहा है आपकी जेब काट रहा है आपका जर्नल आपको पता होना चाहिए वो क्या कर रहा है पूछिए बाजवा साहब से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या स्कैम करा था उन्होंने आसिम बाजवा साहब की बात कर रहा हूं पूछिए ना बाजवा साहब से साहब वो गाड़ियां कहाँ से आई थी ये एक पापा जॉन के रेस्टोरेंट हैं ये कहां से आए उसके अलावा एक के अलावा पच्चीस और रेस्टोरेंट हैं आपके अमेरिका और कैनेडा में चल रहे हैं वो कहां से आए आपका क्या काम है आप तो आपको तो यह बोला था कि सरहदों की निगरानी आपको करनी है आपको तो यह बोला था कि आप खाकी वर्दी पहने मुल्क की वर्दी पूरे मुल्क का पूरे पाकिस्तान के आशीर्वाद से आपको वर्दी मिली है आप सरहद की हिफाजत करें पाकिस्तान का दिफा करें यही उनका काम था और एक दिन जब सब कुछ खत्म हो जाए सब कुछ खत्म हो जाए आपका करियर आई मीन आप रिटायर हो जाए तो चुपचाप बैठे आप और मुल्क को आप सही रस्ते पर ले जाए इनका बेटा जूनियर बाजवा वो क्या कहता है कि जरदारी को छोड़ो लिव टू दर्मी नवाज शरीफ के लिए क्या कहता है आप ट्वीट देखिए इनके। जो पाकिस्तानी आर्मी के अफसर का बेटा होगा वो डेमोक्रेसी की बात थोड़ा ना करेगा आप उसको ट्वीट देखिए हैंंग द गंजाज यानी कि शहबाज और नवाज को फांसी के तख्ते पर लटकाओ हैंंग जरदारी जरदारी को भी लटकाओ यानी कि जो लोगों के वोट से जीत कराया है लोगों के कॉन्फिडेंस उनको टांगो तो उसने गलत क्या कहा वही तो आपके मुल्क का दस्तूर है भाई बेनजीर के बाप को फौज ने आपकी टांगा था तो असीम बाजवा साहब का बेटा क्या गलत कह रहा है वही ये कह रहा है कि जैसे भुट्टो को टांगा है जरदारी को टांगो नवाज शरीफ को जान से मार दो शहबाज शरीफ को मारो ये कह रहा है वो करता रहेगा वो इनकी सिखलाई ये है जो इलेक्टेड है उसको फांसी पर चढ़ाओ जो सेलेक्टेड है जो दुम धिलाए दुम हिलाता रहता है आर्मी जर्नलों के आगे पीछे उसको सलाम करो क्योंकि वो आपका नैरेटिव को सूट करता है वो आपका काम करता है तो साहब जिसको जैसी फौज जो कौन डिजर्व करती है उसको वैसी फौज मिल जाती है और मिल गई दोस्तों आपके एक बड़े सीनियर साहफी हैं आमिर मतीन साहब उनका ट्वीट है मैं पाकिस्तानियों को कोट कर रहा हूं यह मेरी बात नहीं है उनका ट्वीट है आई से दिस ऑन रिकॉर्ड बट आ मीडिया दिस इन पब्लिक कम ऑन गाइस सेट We are being controlled by एजेंसीज We get कॉल्स फ्रॉम ISPR, what we can व्हाट वी कैन we वी I आई एम जॉबलेस बिकॉज आई सेड नो विल यू it? इट ये कहते हैं कि क्यों आपको इतनी दिक्कत है मेरे मीडिया वाले दोस्तों जो साहफ़ी हैं उनको क्यों इतनी परेशानी है बोलने में ये साफ साफ लफ्जों में क्यों नहीं कहते कि आई एस पी आर इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन्स जो कि इदारा है पाकिस्तानी आर्मी का वो हमें कंट्रोल करता है वो हमें बताता है कि आपको क्या कहना है क्या नहीं कहना है वो कहता है कि साहब आप यह करेंगे वो नहीं करेंगे और अगर जो नहीं बात मानता फिर उसके साथ बुरा सलूक होता है यानी कि किसी को गायब कर दिया जाता है किसी को जान मार दिया जाता है आप लोग कहते हैं मैं आपसे पूछता हूं पाकिस्तानियों से आप लोगों को यह कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि साहब कश्मीरियों की आवाज इंडिया ने बंद कर दी लॉकडाउन कर दिया आप 9 बजे इंडिया का कोई भी चैनल खोल के देखें मेरा ताल्लुक रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से है आप नौ बजे कभी भी देखें हफ्ते में दो या तीन दिन डिबेट होगी जहां पे जो कश्मीरी पैनलिस्ट हैं वो खुल के अपनी बात कर रहे हैं उनको इंडियन आर्मी के खिलाफ बात करनी है वो बात कर रहे हैं उनको किसी के भी खिलाफ बात करनी है नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करनी है अमित शाह के खिलाफ बात करनी है खुल के कहते हैं वो डंके की चोट पर कहते हैं क्यों कहते हैं इसलिए नहीं कि वो बहादुर हैं इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनको इजाजत देता उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता आप बताइए कौन सा ऐसा